लेकिन दाल कुछ काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने पोली पोली यानी कि चपाती साथ में बांध के दिया था और वो मेरे अभी काम आएंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम कुबीर मंडल के लिए गए थे। कुबीर मंडल में हमने आपको ये भी दिखाने की प्रयास की कि वहाँ पर सारे समाज के लोग गोरबोली आराम से बोल सकते हैं। और कुबीर मंडल को पूरा करने के बाद हमने सोचा कि कुबीर मंडल में जो पास में कोई तांडा पड़ता है वहाँ पर भी जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि सिरपल्ली जाएंगे, तो हम सिरपल्ली चले गए। वहाँ पर हमें एक दोस्त भी मिले जिन्होंने सिरपल्ली घुमाने में हमारी मदद की। इस थाना में उन्होंने मुझे देखकर बुलाया कि भैया आपकी वीडियो देखते हैं, इधर आ जाओ हमारे घर आ जाओ करके, शिविर थाना में। और मैं, ये उनका घर है, उन्हीं के पास में हूँ। एक कर्नाटक चलो कोई चीज महाराज आए तो वहाँ कहीं बापू नाम और नाम कहीं करो बापू वगाड़ो दे रहू ते महाराष्ट्र में ही होते ना कहीं किस मालूम को चीजा पर माती कॉमेडी को करे हो मैं आंग जा रहा हूँ वो लार बना कर ये भावुक रहकर मसाम लोगों ने अजिखला ये भावुक रहकर मसाम लोगों ने अजिखला लाड़ती चीजा पर गए भाऊ 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 हाई करे लगे जना मसामो ओटो दिटो का गो भाऊ भाऊ के दोस्तों मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है और यहाँ से पीछे एक तांडा में था मैं और मेरे पास एनर्जी बूस्ट करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज़ मेरे पास है एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। दाल भी था साथ में लेकिन पूरी तरह से गंदा हो चुका है, खाने के लायक नहीं है। इस दाल को मैंने फेंक दिया, यूँ ऐसे मैंने फेंक दिया क्योंकि खाने के लायक नहीं है, गंदा बास आ रहा है उसमें से। क्योंकि कल एक अंकल जी ने मेरे को बांध के दिया था कि बेटा तू इसे इमरजेंसी कंडीशन के लिए लेके जा, काम आएगा तेरे लिए करके। लेकिन दाल कुछ काम का नहीं है, लेकिन उन्होंने पोली पोली यानी कि चपाती साथ में बांध के दिया था और वो मेरे अभी काम आएंगे। ये पोली है चपाती और इसके साथ खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं वैसे ही खाए जा रहा हूँ। कुछ अच्छा सा लग रहा है, राहत मिला है मुझे, जैसे कि कुछ खाया अभी, एनर्जी थोड़ी सी मेरी जो है वो बूस्ट अप हुई है। पीछे एक तांडा में था मैं और इस तांडा में मुझे भैयाओं ने फ़ोन करके मुझे बोला कि अनिल भैया आपको आना है। वे भैया दोनों मिलके मुझे बुलाए थे। मैं सिरपल्ली में था कल, गुड मॉर्निंग सबसे पहले बोलना चाहूँगा, लेकिन बाद में मुझे, जैसे कि आपको पता है, मैंने कल भी शायद आपको बताया होगा कि अंतरनी तांडा में कुछ मेरे भाई थे, जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं एक भाई, भैया यहाँ पर है और यहाँ पर जो भैया है स्पेशली इन्होंने मेरे को कॉल किया था कि तुम हमारे तांडा को आओ करके। तो हमने क्या किया, ठीक है चलते हैं। एक और भैया था वहाँ पर मुझे बुलाया हुआ था कि तू मेरे तांडा को आ करके, लेकिन यार मैं तो माफ़ी चाहूँगा उस भैया से, मैं उनके तांडा को नहीं जा पाया। जो वे लोग हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, शॉक वगैरह कुछ लगाते हैं, करंट लगाते हैं खेती में,
ताकि जो जंगली जानवर होते हैं वो ज़्यादा हर्ट ना करे और खेती को नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा, भैया ने खाने के लिए दिया इसको, यहाँ पर धो के, वो धो के दिया। आपने धोया था ना? हाँ। उधर बैठ, देख फोन में, देख दे उधर फोन फोन चार दिन तो टाइम तो भैया भैया। पहले भैया जी और ये भाई, हम दोनों मिल के आए थे और भैया जी भी आए थे साथ में। अभी वो बच्चे भी आ गए उस तरफ। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, वापस से जा रहे हैं तांडा के लिए सारे मिल के। तो चलते हैं, चले भैया। तांडा में माता मरियमा की मूर्ति की स्थापना हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर भोग चढ़ाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर है मूर्ति स्थापना हुई है। ये बापू रामराव महाराज है, निर्मल जिला, मंडल कुबीर, तालुक मुदौड़, तिवड़ी दशक विचित्र को नहीं वेगड़ो दशक मंडल रचे उड़ी ओड़ी रेनी मंडल एक एक जगह एवडी मंडल रचे उड़ी हाँ 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 सही बात हाँ हाँ। और इस तरह भोग चढ़ाया जाता है। आपको हम बता सकते हैं, हिंदी में जैसे होम चढ़ाया जाता है और गोरमाटी में, गोर बोली में या फिर बंजारों में इस तरह भोग चढ़ाया जाता है। अरे नहीं तो ऊपर कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ से देख लेते हैं। और यहाँ पर भोग चढ़ाया जाता है सामने। कब इसे कब बनाया गया है, कब बनाया गया था ये ब्याह? कम से कम 3-4 साल हो जाते थे। 4 साल? 4 साल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पहला थी बांधे तो कौन से लोग पूरे इंडे इंडे गाम गाम फर फर बांधे थे। अच्छा अच्छा, सब जमा कर। डॉक्टर पे बैठे, डॉक्टर बोला चला आज बेटा। कल और कल से मैं इन्हीं के घर में हूँ, बाबूजी के घर में। बापराव जाधव, बापराव मेरा नाम है। जाधव बापराव, बापूराव। अच्छा, अब इनके पिताजी? हाँ, राजू का पिताजी मैं। अच्छा अच्छा, निर्मल निर्मल पर आदिलाबाद गए तो 11 किलोमीटर खूब चार से पाँच एकर। और एक बात मैं बताऊँ सच्चाई, दीदी जी हमारे लिए तैयारी कर रही है खाने का। ये यहाँ पर पोड़ी बना रही है, पोड़ी जारे बाटी, जारे बाटी बनी भाई, जारे बाटी। अच्छा अच्छा अच्छा, जारे बाटी बना रही सर दीदी, अपन सारू तैयारी करी खाएन, खाना खाएन। बिया के दर्पण गई को आ तो बिया देख, बाटी तैयारी करी सर, बिया आता है तो योड़ी में नाकिर तरीका से हम हाथी पर नाको सकाई भाई, थेपड़न हाथे पर भी करो तो थे बड़न भी। अच्छा, ये तवा पर तो मन भी ये तवा लेना पड़ी। मार भी संसार से नहीं। भैया मुझे पीछे बुला रहे हैं, हमारे घर भी आओ करके, तो वहाँ पर थोड़े से जाके आते हैं। अभी चले, फिर चलते हैं। और आप कितने बजे जा रहे हो काम के लिए? अब जाते हैं। अब जा रहे हो? हाँ। आज पता नहीं क्यों यार मेरा थोड़ा सिर दुख रहा है, इसलिए मूड नहीं हो रहा है मेरा, मतलब कुछ बोलने का वगैरह। बकमज लेट करना क्या है। ठीक से लगा बापू, अब तो कहीं मार भी सफर चालू रहे, तुम्हारा भी सफर चालू रहे सबे। अब अपन जाहिर था। ठीक से, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ
जो बगल वाला नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि आने वाले समय में आप हमारे एक भी वीडियो मिस ना कर सके। तो फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सबको नमस्ते, बाय बाय और जय सेवालाल।